रहमान so, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान है और नहायती रहम करने वाला है आज का जो हमारा वीडियो है दैट इज इज ऑन कुरान क्लास दिस पार्ट आज वो कोई जंग के बारे में बताएंगे उन्होंने कल बताया था थर्टी फाइव पार्ट में के hmm. आ, कोई तो जंग है आ, मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा है बट या आयत नंबर टू फोर्टी थ्री टू आयत नंबर 252 तक हमें पूरी ट्रांसलेशन मिलेगी तफसीर मिलेगी सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु व नऊजु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ला लहू व मन युदलिल फला हादिया واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، آمين. अल्हम्दुलिल्लाह आज 12 जुलाई 2020 की कुरान क्लास नंबर 36 की स्टूडियो रिकॉर्डिंग होने जा रही है आज इनशा ताला हम बकरा की आयत नंबर 243 से ऑनवर्ड स्टार्ट लेंगे अभी तक हमारी मुसलसल तीन क्लासें आलमोस्ट तलाक से मुतलक मसाइल के ऊपर गुजरी हैं अब बिल्कुल इसका टॉपिक चेंज हो रहा है और बनी इसराइल की हिस्ट्री की तरफ जा रहा है कुरान हकीम का यही इम्तियाज़ है कि मुसलसल एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन नहीं की जाती ताकि पढ़ने वाले या सुनने वाले में कोई बोरियत वाला एलिमेंट ना आ जाए चूँकिरण हकीम की सूरतें खुतबात की शक्ल में हैं और खुतबे की खूबी यही होती है कि जो खतीब होता है वो अपने मुखातिब को कभी भी उसकी सोच को इधर उधर भटकने नहीं देता उसके लिए कभी कभार वो वाक़ भी बयान करता है बाज़त वो कोई मिसाल बयान कर देता है बाज़त प्योरली कोई इल्मी डिस्कशन करता है यही आपको ख़ूबसूरती कुरान हकीीम की सूरतों में नज़र आएगी बकरा में अब ये जो पोर्शन आ रहा है ये बनी इसराइल की हिस्ट्री से रिलेटेड है बल्कि उसमें एक पहले एक और वाक़ भी है जो बनी इसराइल से भी शायद पहले का है या उनके किसी सबका पैगम्बर से रिलेटेड है अलैहिस्सलाम और उसके बाद फिर डिटेल ज़िक्र आएगा तालुत और जालूत की जंग का जो आप समझ लें कि बनी इसराइल की हिस्ट्री में गज़ बदर है और मज़े की बात है कि गजब बदर में जिस तरीके से तीन सौ तेरह लोग थे सिहाबा कराम अली मरदवान में सही बुखारी में आता है और बुखारी की उसी हदीस में ये आता है कि तालूत और जालूत की जंग के मौका के ऊपर भी जो मुसलमान थे वो तीन सौ तेरह ही थे इतनी बड़ी फौज से मुकाबला करने के लिए सबका उम्मे मुसलिमा बनी इसराइल और ये जंग जो है वो जालूत के अंदर जंग हुई और वहाँ पर फतह हासिल करने के बाद बनी इसराइल के एक और शानदार अहद का आगाज़ हुआ सैद्लाुतम के ज़रिए और फिर ये 16 साल तकरीबन उन्होंने हुकूमत की तालूत अलाम ने अपनी बेटी का निकाह जो है वो सदना दाऊद अला नबीना सलातम के साथ किया और आलमोस्ट उस वक्त उनकी उम्र आप समझ लें बीस साल के करीब थी फिर चालीस साल तक सोलह साल तो तालुत ने हुकूमत की उससे अगले चालीस साल सदना दाऊद अला नबीना सलामाम ने हुकूमत की और फिर उनके बेटे सईदाना सलाम जानशीन हुए और उनके भी चालीस साल बनते हैं यानी बनी इसराइल की जो खिलाफ राशद आप कह लें आलमोस्ट जो अम्बिया कराम भी जिसमें शामिल हैं तलुद के बारे में तो कोई कन्सेंसिस नहीं है और गालिब राय यही है कि वो पैगम्बर नहीं थे एक पैगम्बर के सहाबी थे सईदानना समोल नबी के जिनका जिक्र भी इशाराता यहाँ आएगा नाम के बगैर हमें तौरात के अंदर मिलती है दाऊद और अलैहिस्सलाम दोनों पैगंबर थे दोनों का दौरे हुकूमत 40-40 साल है और 16 साल आप वो मिला लें तो आलमोस्ट ये 100 साल की खिलाफ राजता बनती मनीष सही जिस जगह पे ये मार्क हुआ था एन जालूत, फिर इस्लामिक हिस्ट्री में भी उसी जगह पर एक बहुत बड़ा मार्क हुआ वो मुसलमानों की जंग जो मंगोलों के साथ हुई सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस ने पहली दफ़ा आप समझ ने शिकस्त फाश दी मंगोलों को वरना ये आलमोस्ट अनबीटन थे उसके बाद ही फिर इनका डाउनफॉल भी शुरू हो गया इससे पहले छोटी मोटी झड़पों में इन्हें नाकामियाँ जरूर हुई लेकिन ओवरऑल हमेशा आखिरी मार्का मंगोलों ने ही फतह किया सवाए इस एक मबारके के और ये जंग भी उसी जगह पर हुई अब अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं अलम क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों की तरफ जो अपने घरों से निकले थे इस हाल में कि वो हजारों की तादाद में थे हजर अल मऊत मौत के डर से वो निकले इस कॉन्टेक्स्ट में अल अमस्तर हाकिम में सही सनत से एक हदीस मौजूद है मौकूफ़न हदीस है इब्ने अब्बास का कौल है मरफू नहीं है वो कि वो कहते हैं कि सबका उम्मतों में एक उम्मत थी जिनके इलाक़े में ताउन का मर्ज़ फैल गया और उनकी तादाद चार हज़ार के करीब थी तो वो अपने मौत के डर से अपना इलाका छोड़कर निकले तो ताला ने उन सब के सब लोगों को मार दिया जिस तरह हमारी उम्मत के लिए भी यही हुक्म है बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम सुनो कि किसी जगह पर ताउन या कोई इस तरीके से एपिडेमिक मर्ज फैला हुआ है वबाई मर्ज तो वहाँ पर तुम मत जाओ और जो वहाँ के लोग हैं वो वहाँ से बाहर ना निकलें आज आप देख लें डब्ल्यू एच ओ ने भी ये कोरोना वायरस का जो फितना आया है इसके ऊपर सेम वही गाइडलाइंस की हैं और वुहान सिटी में मुकम्मल तौर पर चाइना ने लॉकडाउन करके इस आजमाइश के ऊपर काबू पाया पूरे चाइना से उन्होंने उसको इतने बड़े सूबे को जो है वो कट कर दिया और आप देख लें उन्होंने इतने बड़े इस जदीद दौर के अंदर इतनी बड़ी आजमाइश को किस तरीके से हैंडल किया तो नबीलास नाम फरमाया कि वो इलाका छोड़कर बाहर ना निकलो अगर तुम्हें मौत आ गई तो तुम शहीद लिखे जाओगे और काफिर पर जब मौत आएगी ताउन की शक्ल में तो वो उस पर अजाब होगा मुसलमान पे मौत आएगी तो वो शहीद होगा बस आप इसी हदीस की बुनियाद पे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रापुलेट कर सकते हैं इजतहाद कर सकते हैं बाकी तमाम वबाई अमराज पे चाहे वो एपिडेमिक या पैनडामिक जिस तरह अभी कोरोना तो पैंडमिक है पूरी दुनिया में फैल गए आलमी सतह के ऊपर तो ज़ाहिर है कि ये अगर शरीय सल्लल्लाहु अलैहि वसलम में ये हुक्म है तो अगली शरीयतों में भी यकीनन ये हुक्म था लेकिन मौत के डर से वो लोग निकले हालांकि उन्हें उस जगह से नहीं निकलना चाहिए था तो अल्लाह ताला ने सजा के तौर पे उन सब को मार दिया फिर वहाँ से कोई पैगम्बर गुजरे और उनकी दुआ की बरकत से दोबारा उन्हें ज़िंदगी मिली एक तश्री तो इसकी ये की गई है जो मरफूह हदीस की रोशनी में तो नहीं है इबन अबास का कौल है अब ये चीज़ कन्फ़र्म नहीं है कि इबिन अब्स ने जो ये बात की है ये इसराइली रवायत तो उन्होंने कोई बयान की है या इस्लाम के रेफरस से बयान की है सिहब कराम के जो अकवाल होते हैं तो उनको इस तरीके से भी देखने की ज़रूरत होती है खसूस कुरान की तफसीर के ऊपर क्योंकि बनी इसराइल के वाक़ भी बयान कर दिया करते थे तो उसकी अथेंटिसिटी चैलेंज भी हो सकती है हमारे जो जदीद मुफसरिन हैं ना मौल मदूदी रही तथा चंद और लोग उनका मौकफ़ ये है इनकलूडिंग डॉक्टर इसरार साहब रिम्ल् त ये बड़ी इसराइल की तरफ ही इशारा है और यहाँ मौत से मुराद उनकी फिज़िकल मौत नहीं है बल्कि किसी कौम का मर जाना है और ये वाकई फिट इन बैठता है अगर आप अगले तालूत और जालूत की जंग के साथ देखें आपको पता है कि चौदह सौ कबल मसीह यानी हज़रत हज़रतम से चौदह सौ साल पहले और हमारे नबी सल्हलम से दो हज़ार साल पहले मूसम बनीसराइल को लेकर फिरोनी से निजात दिलाकर निकले थे और जब उन्होंने वो समंदर की झील को क्रॉस किया वो कई एक समुद्री झीलें थी सरायसीना में जिनको बाद में जोड़ के जो है वो नहर सुइस बना ली गई तो किसी एक झील को क्रॉस किया और उसके बाद जब वो इस तरफ आए तो फिर अल्लाह ताला ने वही के जरिए उनको बताया कि अब तो कताल करो तो तब तुम्हें तुम्हारा अबाई मस्कन शाम मिलेगा वो सूरत माह में आएगा सवाए दो लोगों के योशोए नून और दूसरे सईदुल्ला हारून आलाम बस ये दो बंदे हज़रत मूसा के साथ खड़े हुए कताल और जिहाद के लिए बाकी पूरी कौम ने कहा कि तुम और तुम्हारा रब जाके लड़े वो तो बड़ी सख्त सख्तगीर कौम है हम जिहाद और कताल उनके साथ नहीं कर सकते ये सूरतमादा में आ जाएगा तो फिर हजरत मूसा को इतना गु़स्सा आया कि उन्होंने बद दुआ कर दी उनके लिए बदुआ कह लें यह दुआए ज़र्र कह दें तो अल्लाह तम चालीस साल फिर वो भटकते रहे सरायसना में उनको रास्ता नहीं मिला इन चालीस सालों में वो जो बुजदिल बनी इसराइल थे वो एक एक करके बुजुर्ग बाबे आपको पता बुजदिल ही होते हैं वो मर गए और जो वहाँ सहरा में जो उनके बच्चे पैदा हुए वो जवानी की उम्र को पहुंचे तो वो उस टफ माहौल के आदि थे उन्होंने फिर वक्त के पैगंबर से रिक्वेस्ट की और उस वक्त वक्त के पैगंबर जो हैं वो हजरत नून थे जोशो इंग्लिश में कहते हैं उन्नीस चालीस सालों में पहले हजरत हारून फौत हुए और उसके बाद हजरत मूसा और वो उसी सहरा में दफन हुए कोई उनका मजार नहीं है सर कोई उर्स नहीं लगता गुमनामी की है सिर्फ सही मुस्लिम में आता है कि मैंने शब में राज मूसा इस्लाम को अपनी कबर में नमाज पढ़ते हुए देखा अगर मैं आज गुजरू तो मैं तुम्हें सुर्ख टीले के पास उनकी कबर बता सकता हूं किस जगह पे और ही बता सकते हैं क्योंकि वो तो गुमनामी में कब्र थी तो सईदाना मूस आलाम भी फ़ौत हुए हारून आलाम पहले फ़ौत हो गए फिर जो इनके सहबी थे हज़रत हारून के जोशवा जोश इबन नून इनको अल्लाह तक ने पैगम्बर बना दिया बल्कि बुखारी मुस्लिम में आता है कि बनसराइल पर इतना लंबा अरसा इस हाल में गुज़रा कि एक पैगम्बर फौत होते वक्त दूसरे पैगम्बर को अपना खलीफा छोड़ के जाता था ऑलमोस्ट चौदह सौ साल तक इनकी पैगम्बरों की वो जो चेन है वो नहीं टूटी इस दौरान ग़ुलामी का दौर भी इन पर आया ये नहीं था कि पैगम्बर आते थे तो इनको गलबा होता था अगर ये रोमन अम्पायर के नीचे ग़ुलाम थे तो पैगम्बरों समेत गुलामी की जिंदगी भी गुजरी तो फिर जो नई नस्ल थी वो नौजवान थे टफ माहौल के आदि थे उन्होंने जोश इब्ने नून को रिक्वेस्ट की कि अब हम कल करेंगे तो फिर उन्होंने किताल किया और आस्ता करके शाम फतह कर लिया लेकिन गलती ये की कि बारह कबाइल थे और आपस में इनकी बनती नहीं थी तो बारह हुकूमतें कायम की तो जब बारह हुकूमतें होंगी तो फिर दुश्मनों का गलबा पाना इनके ऊपर आसान हो जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता कर करके एक एक हुकूमत ख़त्म की फिर दोबारा से कब्जा हो गया शाम के ऊपर काफिरों का तो मौल मदूदी का डॉक्टर सरार साहब इन लोगों का ये मौकफ़ है कि ये जो अल्लाह फरमा रहे हैं कि वो एक ज़माना था यही बनी सराइल निकले हजारों की तादाद में थे और मौत का डर था मौत का डर यानी कताल करेंगे तो मारे जाएंगे तो अल्लाह ने फिर उनको मार ही दिया यानी ऐसे कौम उनकी मौत होगी सराय सीना में कि वो चलती फिरती जिंदा लाशें थी डरपोको सुम मह या फिर उसके बाद अल्लाह ने उनको दोबारा से जिंदा किया तो ने उनको कहाबारा चालीस साल जो रहे वो उनकी जिंदगी एक समझ लेंदार की सी है। और फिर नई जिंदगी दी जो कैताल का जज्बा पैदा हुआ तो यह माना भी इस एतबार से लिया गया कि फिर उन्होंने वह फतेह किया लेकिन उन्होंने बताया वह फतेह किया फिर काफी अर्सा चला फिर दोबारा से हुआ अब ये जो अगला

काम के बारे में मस, बनी इसराइल के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया अभी आगे देखते हैं जो जंग का वाक्य है कि उसमें 313 लोग थे तो लेट्स सी क्या होगा आगे एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट